अरे अरे भगवान, बड़ी नसीब वाली हो और बड़ी चालाक भी हो जो ये झमेला मेरे सर पे छोड़ के चली गई। बाबू चाय उठ गए, तेरे चिड़ियाघर के सारे जानवर उठ गए। बाबू उठो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे हीरो नंबर वन की कहानी। अगर आप भी करिश्मा और गोविंदा के फैंस रहे हैं तो आपने ये पिक्चर ज़रूर देखा होगा। हीरो नंबर वन 1997 की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने है। ये फिल्म बिल्कुल फैमिली एंटरटेनर है, यानी कि आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्म शुरुआत होती है राजेश मल्होत्रा यानी कि गोविंदा से, जो एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन धनराज मल्होत्रा यानी कि कादर खान के बेटे होते हैं। ये काफ़ी अमीर और वेल्दी बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन गोविंदा जो हैं यानी कि राजेश मल्होत्रा जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से कुछ खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो बड़े ही डिसिप्लिनेरियन होते हैं। वो चाहते हैं कि राजेश रोज़ ऑफिस आए, काम करे। राजेश क्योंकि यंग होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी थोड़ी अलग तरीके से जीना होता है, अलग ढंग से जीना होता है, और अपने जो आप अपने जो फादर जो कहते हैं उनके हिसाब से जीना नहीं होता है। वो एक दिन क्या करते हैं कि वो अपने घर से भाग जाते हैं और एक यूरोप का ट्रिप ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ मीना, जिसका किरदार निभाया है करिश्मा कपूर ने, वो पोती होती हैं दीनानाथ की, जिसका किरदार निभाया है परेश रावल ने। मीना को एक स्कॉलरशिप मिलता है यूरोप में पढ़ाई करने के लिए। ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है 25 दिन का, और मीना वहाँ पे यूरोप में जाकर वो पढ़ाई करना चाहती हैं। परेश रावल यानी कि दीनानाथ जो हैं वो घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मीना नहीं जाएगी। लेकिन मीना बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने दादाजी से, और बाद में ये तय किया जाता है कि शन्नू नाथ यानी जिसका किरदार निभाया हिमानी शिवपुरी, जो मीना की बुआ होती हैं, उसके साथ वो यूरोप जाने का प्लान करती हैं। मीना जो होती है वो बिन माँ बाप की बेटी होती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा परिवार होता है। चाचा चाची, दो चाचा चाची होते हैं और एक छोटे चाचा भी होते हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है, और काफ़ी बड़ा परिवार रहता है, लेकिन मीना के अपने माँ बाप नहीं होते हैं। मीना यानी कि करिश्मा कपूर जो होती है वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची होती हैं अपने फैमिली की, जो हर किसी का ख्याल रखती हैं, हर किसी का नाश्ता खाना बनाती हैं, प्लस अपनी पढ़ाई भी करती हैं। वो अपने दादाजी की चहेती होती हैं, इसीलिए दादाजी मान जाते हैं उसके ये यूरोप ट्रिप के लिए। मीना और राजेश की मुलाकात एयरपोर्ट में होती है, और मिलते ही बहुत नोकझोंक हो जाती है। मीना की बुआ जो है वो राजेश को पसंद करती हैं, लेकिन मीना को राजेश बिल्कुल पसंद नहीं आता। यूरोप में भी जब मीना का रूम कैंसिल हो जाता है, वो राजेश ही होते हैं जो मीना और उनकी बुआ को अपना कमरा देते हैं रहने के लिए। धीरे धीरे राजेश और मीना एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। यही नोकझोंक से उनका जो रिश्ता होता है वो प्यार में बदल जाता है यूरोप में ही। धनराज मल्होत्रा जो हैं अपने बेटे को ढूंढते हुए यूरोप पहुंचते हैं अपने असिस्टेंट शर्मा जी के साथ, जिनका किरदार निभाया है राजेश बेड़ी ने, और वो वहां पे पता करते हैं कि राजेश को मीना नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है। सब जन इंडिया लौट आते हैं, और ये तय होता है कि मीना और राजेश की शादी हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है। धनराज जी जो होते हैं वो मीना को बहुत पसंद करते हैं, और अपने बेटे के रिश्ते के लिए वो मीना के घर जाके मीना का हाथ मांगने के लिए चल पड़ते हैं। चलते वक्त, गाड़ी से चलते वक्त वो एक पेडेस्ट्रियन यानी कि राह चलते आदमी पर कीचड़ उछाल देते हैं, यानी कि उनकी गाड़ी जो है कीचड़ में फंस के, वो जो राह में जो चल रहा है उस आदमी पे कीचड़ उछल जाता है, और दोनों जन एकदम लड़ाई करने पर उतर आते हैं। क्या बे? तूने मेरे को अंधा बोला? अंधा बोला।
हैं, क्योंकि धनराज जी जो होते हैं वो अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा झगड़ा नहीं करता हूँ और क्योंकि एक शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो ज़्यादा झगड़ा ना करते हुए थोड़ा खरी खोटी सुना कर वो निकल पड़ते हैं। जब वो मीना के घर पहुँचते हैं, उनको ये पता चलता है कि जिस आदमी पर उन्होंने गलती से कीचड़ उछाला था, वो आदमी मीना के दादाजी होते हैं, यानी कि दीनानाथ होते हैं। दीनानाथ उनको देखते ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बिल्कुल ही ये रिश्ता को मना कर देते हैं और धनराज जी की भी इंसल्ट कर देते हैं। दीनानाथ का घर एक जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। दीनानाथ के घर पे अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी नौकर उनके घर पे टिकता नहीं है। जो सबसे लेटेस्ट नौकर है बाबू, या जिसका किरदार निभाया है शक्ति कपूर ने, वो भी भाग जाता है। अभी वो सारा परिवार जो होते हैं वो नौकर की तलाश में है। राजेश जो है उसको ये पता चलता है कि दीनानाथ के घर पे नौकर की ज़रूरत होती है। राजेश को ये एहसास होता है कि अब तो गड़बड़ हो ही चुकी है शादी के रिश्ते को लेकर, तो वो सोचते हैं कि दीनानाथ के घर पे वो खुद ही नौकर बन के चले जाएं। बाबूजी मैं क्या सुन रहा हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू नाम है मेरा। राजेश जो हैं इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे होते हुए भी एक नौकर का गेटअप ले लेते हैं और दीनानाथ के घर पहुंच जाते हैं काम की तलाश में। पूरा घर जो एक नौकर का इंतजार कर रहा था, अपने दोनों हाथों से राजू का वेलकम करते हैं। ये कोई नहीं जानता सिवाय मीना के कि राजेश कौन है। दीनानाथ के घर पे हर परिवार का एक एक समस्या होता है। दीनानाथ के जो बड़े बेटे हैं, जिसका किरदार निभाया है टीकू टलसानिया ने, विद्यानाथ, वो एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो कॉलेज हमेशा लेट पहुंचने की वजह से कॉलेज के प्रिंसिपल से हमेशा डांट खाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पकड़वा देते हैं और बोलते हैं आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। विद्यानाथ बहुत ही परेशान होते हैं और घर लौटते हैं। तबीयत तो ठीक है ना? ट्रांसफर हो गया कोल्हापुर। अरे ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे तो यहाँ के झंझटों से दूर रहेंगे। जब भी मुंह खोलती हो तो बकवास करती हो, वहाँ जाएंगे तो जीवन भैया ये बंगला अपने नाम पे करवा लेंगे। अरे राजू को इस बात का पता चलता है और वो अपना कॉन्टेक्ट यूज करके उनका ट्रांसफर रुकवा देता है। दीनानाथ के जो दूसरे बेटे होते हैं जीवन नाथ, जिसका किरदार निभाया है अनिल धवन ने, वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन उनके यहाँ कस्टमर्स आते ही नहीं हैं। उनको भी ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी नौकरी जा सकती है। राजू क्या करते हैं कि वो अपने ही स्टाफ को बोलते हैं कि आप जीवन नाथ से ही इंश्योरेंस लीजिए और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी कंपनी भरेगी। इस तरह जीवन नाथ का जो प्रॉब्लम होता है और उनकी नौकरी जो होती है वो राजू के वजह से बच जाती है। दीनानाथ के जो सबसे छोटे बेटे हैं पप्पी, जिसका किरदार निभाया है सतीश शाह ने, वो एक स्ट्रगलिंग म्यूज़िक कंपोज़र हैं। राजू हंसते खेलते उनको म्यूज़िक सिखा देते हैं और म्यूज़िक की धुन भी तैयार करा देते हैं। इस वजह से उनको भी बड़ा ब्रेक मिल जाता है। दीनानाथ की जो सबसे बड़ी बेटी होती है शन्नो, उसका भी एक प्रॉब्लम होता है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके अपने पति से बिल्कुल बनती नहीं है, तो इसीलिए वो अपने पापा के घर पे रहने लग जाती हैं। शन्नो और उसके पति को मिलाने में भी राजू का ही हाथ होता है। दीनानाथ की जो पोती होती है डिम्पल नाथ, वो एक पार्टी एनिमल होती है। रोज़ रात को पार्टी करना और घर देर से आना उसकी आदत सी बन चुकी होती है। एक दिन राजू उसको गुंडों से बचाते हैं और घर की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। दीनानाथ राजू से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि राजू उनके घर पे वरदान बन के आया है। राजू इकलौता बंदा है जिसने हर समस्या का हल निकाला है। एक दिन अचानक क्या होता है कि दीनानाथ की तिजोरी से कुछ गहने और कैश गायब हो जाते हैं।
पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करती है। उसमें पुलिस राजू की भी पूछताछ करती है। राजू क्योंकि घर का नौकर होता है, सबसे पहला शक उसी पे जाता है। दीनानाथ बोलते हैं कि आप किसी को भी, अपने बेटे में से किसी को भी लेके जाइए, लेकिन राजू नौकर पे शक मत कीजिए क्योंकि वो तो हीरा है। पुलिस अपनी फिर भी पूछताछ और तलाशी जारी रखती है और किचन से निकलते हैं धनराज, जो चौकीदार के भेस में होते हैं। राजू कहते हैं ये उनके अंकल हैं जो इनका बर्थडे मनाने आए थे। राजू और धनराज को पूरे परिवार वाले मिलकर खरी खोटी सुनाते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं। और पुलिस के हवाले जब करने ही वाले होते हैं तो मीना दौड़ के आती है और सबको ये बता देती है कि राजू की असलियत क्या है। मीना सबको बताती है कि राजू ने किस तरह से हर किसी की मदद की है, और वो ये भी बताती है कि राजू एक्चुअली आगे राजेश होते हैं, जो मीना को इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार में वो नौकर भी बन गए। और वो ये बताती है कि जिस चौकीदार की वो इंसल्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली सेठ धनराज हैं, जो अपने बेटे के प्यार के लिए चौकीदार बन गए। घर का माहौल एकदम उदास हो जाता है। राजेश अपने पिता धनराज को लेकर वापस लौट जाते हैं। वो अपने पिता से ये कहते हैं कि अपने प्यार के लिए मैं अपने पिता का इतना अपमान नहीं सह सकता। वो बोलते हैं कि मैं कल से बिल्कुल डिसिप्लिनेरियन बन जाऊंगा, ऑफिस आऊंगा, काम करूंगा और घर जाऊंगा। धनराज ये जानते हैं कि उनका बेटा बहुत ही दुखी है, लेकिन फिर भी अगले दिन गोविंदा यानी कि राजेश जो हैं एकदम तैयार होके गाड़ी में अपने पिताजी का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि चलो ऑफिस चलते हैं। यहाँ पर दीनानाथ को रियलाइज़ होता है कि मीना से राजेश ने कितनी सच्ची मोहब्बत की है। जब लास्ट सीन में राजेश जब अपना ऑफिस जा रहे होते हैं, सामने से एक गाड़ी आती है और उनके गाड़ी पे कीचड़ उछाल देती है। जब राजेश गुस्से से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाले की गाड़ी में मीना और उनके दादाजी दीनानाथ बैठे हैं। दीनानाथ कहते हैं कि एक दिन ऐसा था जहां पे धनराज जी ने उन पर कीचड़ उछाला था और आज मैंने वापस कीचड़ उछाल के ये बदला पूरा किया। वो राजेश और मीना को मिलाते हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने ये फ़िल्म देखी हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसे लगी थी। थैंक यू।